मैं पूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी का नया चुनावी नारा, दिल्ली में तो केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और केजरीवाल विकेट टीम के सदस्य बब्बू मलिक ने हमारे संवाददाता को बताया कि दिल्ली सरकार ने अपने 4/2 साल के कार्यकाल में इतने विकास कार्य किए हैं जो देश में इतिहास बन गया है। इसी बिना पर दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से नया नारा शुरू किया है। दिल्ली में तो केजरीवाल, इसी नारे को लेकर पार्टी के लीडरों और कार्यकर्ताओं ने बहुत जोश दिखा रहे हैं। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस नारे के चलते जनता के बीच जाकर पार्टी के विकास कार्यों का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। इस विषय पर सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आप पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता बब्बू मलिक ने एक प्रेस वार्ता में हमारे संवाददाता को बताया कि आप पार्टी दिल्ली की जनता से अपने कामों के दम पर इस बार भी वोट मांगेगी, क्योंकि दिल्ली में जो काम आप पार्टी ने कर दिखाए हैं वो पिछले कई सालों में किसी सरकार ने नहीं किए। वैसे दिल्ली से मोहम्मद इरफान खान की एक खास रिपोर्ट। और यहाँ पर पिछले 4-5 सालों से पार्टी पूरी तरह से भरपूर कोशिश कर काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे में 5 सालों के अंदर जो पार्टी ने दिल्ली में विकास कार्य करे, क्या उस विकास कार्य को उपलब्ध है, क्या पार्टी दिल्ली में दोबारा रीच कर रही है, क्या वो रिपीट होकर आएगी, तो कितनी सीटों पर रीच करते हैं? देखिए, केजरीवाल अपने कामों के ही जरिए आए हैं और काम इतना किया है पिछले 4.5 सालों से कि इंशाल्लाह हम रिपीट मारेंगे और हम और हमारे कार्यकर्ता मिलकर इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, हम 70 की 70 सीटों पर लीड कर रहे हैं और आएंगे दोबारा। जैसे उस टाइम दिल्ली हिन्दुस्तान के अंदर भाजपा कर रहा था, वो खासकर दिल्ली के अंदर भाजपा पार्टी का इस बार ज्यादा जोर रहेगा कि आम पार्टी को दरकिनार करते हुए दिल्ली की सत्ता पर हम असीम है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आम पार्टी इसको पराजय करते हुए बीजेपी और अग्रसर है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो अपने कामों को लेकर जाएगी जनता के बीच, कामों के बदले अपना वोट मांगेगी। जो जनता की भलाइयों का काम किया है, जो काम चल रहे हैं, इतने काम कर रही है सरकार कि 70 साल इतिहास में हिंदुस्तान के आज तक किसी सरकार ने किसी राज्य में इतने काम नहीं करे जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने यहां इतने काम किए। हम उन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार खाली बातें करती है, कोई तरक्की की बात नहीं करती, देश के विकास की बात नहीं करती, कोई काम की बात नहीं करती, धार्मिक बातें करती है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू कार्ड खेलते हैं, लोगों को भड़काऊ कामों से उसे उन्हें बरगलाते हैं ताकि वो हमसे कल को सवाल ना करें कि भाई तरक्की क्या है, देश के विकास में क्या है। आज देखिए GDP कितनी डाउन है, आप समझते हैं कि देश के हालात देखिए, कभी किसी तरह से कुछ करते हैं, कभी किसी तरह से लोगों को उलझाते हैं, तरह तरह की नई नई टेक्निक लाते हैं। आज तक मोदी जी की दोबारा रिपीट हो गया है, लेकिन आज तक मुझे एक काम कोई विकास का आप बता दें कि मोदी सरकार में ये काम विकास का हुआ। केजरीवाल जी ने किए सर, आगामी चुनाव को देखते हुए आप पार्टी की सीधे सीधे टक्कर कांग्रेस और भाजपा से रहेगी, 5 साल के कार्यकाल के बाद क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अब कितना सिक्का जमा पाएगी दिल्ली में? देखिए, काम कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, टक्कर हमारी बीजेपी से, और काम के मुकाबले में हमारे से कोई टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि हमने इतना काम किया है जो अब कभी तक आप कोई पीछे 15 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है, आप मुझे 5 काम गिना दीजिए, कोई भी दिल्लीवासी 5 काम सिवाय शीला दीक्षित के कोई 5 काम गिना दीजिए और मैं 181 काम अरविंद केजरीवाल जी सरकार के मैं गिना सकता हूं आपको बैठे बैठे। सर, अभी व्हीकल एक्ट को लेकर काफी अफरा तफरी मची हुई है देश भर में, दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान किया था कि व्हीकल एक्ट में कोई संशोधन करेंगे, दिल्लीवासियों को उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, वो कब से कार्य शुरू होगा और क्या वो प्रावधान है? दरअसल ये जो कानून आया व्हीकल एक्ट का, जो ये चलान कट रहे हैं, जनता परेशान है कि जबरदस्ती 100 रूपये का चलान जो था वो 1000 का कर दिया, जबरन पुलिस वसूल कर रही है, मोदी जी की पुलिस है। केजरीवाल सरकार ने निर्णय लिया है कि एक्सपर्ट्स को बुला के उनसे मशवरे चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है कि कैसे करके हम दिल्ली की जनता को कम से कम राहत पहुंचा सकें, और उसमें है भी कुछ ऐसे हमारे जो मोटर एक्ट व्हीकल में कानून में कुछ है ऐसा कि राज्य सरकार कुछ उसमें दे सकती है, तो वो जरूर देंगे। जो जनता की भलाई का हर काम, जो जनता को भलाई के लिए काम होता हो, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और करते रहे। सर, एक आखिरी सवाल, व्हीकल एक्ट में यदि कोई वाहन चालक नाबालिग पाया जाता है, उसको जुर्माने के लिए जो भी उसका चालान के रूप में भर जाता है, लेकिन एक तरफ भारत देश में चाइल्ड यानी लेबर यानी बाल मजदूरी अपराध है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ व्हीकल एक्ट के तहत
जो नाबालिग बच्चों को या युवाओं को पकड़ा जाता है उनको जो आपकी चाइल्ड